दोस्तों मैंने यहाँ पर तीन बैंकों का बैलेंस जो कि चेक किया अपने मोबाइल से, यहाँ पर देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, आईसीआई बैंक का, कोटक बैंक का। यहाँ पर देख सकते हैं यूनियन बैंक का बैलेंस मैंने चेक किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसीआई बैंक का बैलेंस यहाँ पर मैंने चेक किया है, और यहाँ पर देख सकते हैं कोटक बैंक का बैलेंस चेक किया है। यानी कि मैं घर बैठे अपने मोबाइल से यहाँ पर किसी भी बैंक का बैलेंस जो कि चेक कर लिया। तो दोस्तों आप भी अपने किसी भी बैंक का बैलेंस अपने मोबाइल से घर बैठे बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए करना क्या होगा, इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना होगा, लाइक वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और यहाँ से बेल आइकन को दबा के ऑल प्रेस करना होगा, ताकि जब भी फ्यूचर में कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। यहाँ से वीडियो को आपको शेयर करना होगा, और यहाँ पर आपको कमेंट करना है कि आपका किस बैंक में खाता है। और उसके बाद दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो एरा गैरा एप्लीकेशन नहीं है, 50 लाख लोग उस एप्लीकेशन को यूज करते हैं। तो आपको इस टाइटल पर क्लिक करके आपको इस लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है, तो आपको उसको ओपन करना है। जैसे ही ओपन करोगे तो अपने किसी भी बैंक खाते का बैलेंस पता करे, इस एप्लीकेशन का यहाँ पर नाम है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड करना है। खोजोगे तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ पर बैंक बैलेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे सारे बैंक यहाँ पे आ जाएंगे, तो आपका जो भी बैंक है सेलेक्ट करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आईसीआई है, तो आईसीआई क्लिक कर लिया। यहाँ पर तीन नंबर मिला, बैंक बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, कस्टमर केयर, तो यहाँ पर बैंक बैलेंस वाले पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुझे बैंक बैलेंस यहाँ पर चेक करना है, तो मैं बैंक बैलेंस वाले पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं कॉल लगा देता हूँ, और ये कॉल जो कि ऑटोमेटिक ये कॉल ऑटोमेटिक कट चुकी है। और यहाँ पर कुछ ही टाइम बाद मुझे एक मैसेज आएगा जिसमें मेरा बैलेंस मेंशन होगा कि आपके खाते में इतने बैलेंस हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ टाइम तक देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैसेज आ चुका है और यहाँ पे बैलेंस हो रहा है कि अवेलेबल बैलेंस इतना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दूसरे बैंक का यहाँ पे दिखाता हूँ अब फिर से बैलेंस चेक करके। तो यहाँ पर मैं बैंक बैलेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं कोई और बैंक लेता हूँ, जैसे मान लीजिए यूनियन बैंक ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बैंक बैलेंस वाले नंबर पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं कॉल लगा देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ ही टाइम बाद मुझे फिर से दोबारा मैसेज आएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक कॉल ऑटोमेटिक कट गया, और मुझे यहाँ पे फिर से मैसेज आएगा कि आपके खाते में यूनियन बैंक के इतने बैलेंस है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, यहाँ पर देखिए दोस्तों आ गया मैसेज, यहाँ पर देख सकते हैं बैलेंस। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही कॉल करना है, तभी आप बैलेंस चेक कर पाओगे। जो आपका बैंक में नंबर लिंक होगा उसी से आपको कॉल करना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।